हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे भूमि एंड टेंशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नहाते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ नहाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। नहाते समय हमें बहुत गर्म या ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। यदि हम बहुत गर्म या ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारी स्किन जल जाती है और सुन्न भी पड़ सकती है। ज़्यादा देर तक हमें शावर में रहना नहीं चाहिए। ज़्यादा देर में शावर में रहने से स्किन में मॉइस्चर कम हो सकता है, इस तरह स्किन जो हमारी सूख सकती है, जल्द ही झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक शावर में नहीं रहना चाहिए। तीसरा, बाथरूम को छोड़ने के पहले नुकसान बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं वे पनपने लगते हैं। ये स्किन और बॉडी को इन्फेक्शन ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। ज़्यादा गोरा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रब करने से स्किन की जो ऊपरी परत है वह छिल जाती है, इसलिए हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा अपनी बॉडी को घिसना भी नहीं चाहिए। इसके बाद आता है मेडिकल या मेडिकल बेस्ट सॉप जैसे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सॉपों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन में भी असर पड़ता है। नहाते समय शैम्पू के बाद कंडीशनर ना लगाने चाहिए, क्योंकि कंडीशनर लगाने से बाल ड्राई हो सकते हैं, बालों की चमक खत्म हो जाती है, बाल आपस में उलझ कर टूट सकते हैं, इसलिए हमें शैम्पू के बाद कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज के तुरंत बाद ठंडा शावर लेने से सर्दी जुकाम के अलावा स्ट्रोक और हार्ट अटैक तक आ सकता है, इसलिए हमें एक्सरसाइज के तुरंत बाद ठंडे शावर में नहीं जाना चाहिए। टॉवल से ज़्यादा रगड़कर पोंछने से स्किन और बालों को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए स्किन ड्राई हो सकती है और बाल टूट सकते हैं। दोस्तों, तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि नहाने के समय हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम नहाते समय ये हर वक्त करते हैं तो हमारी स्किन त्वचा बहुत ही सुलझ जाती है और हमें नुकसान होता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ओके, बाय। आज के लिए इतना ही।